गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएस फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली जो भी क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर अपन ने देखे कैसे उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपन तीन तरीके के मेथड थे, तीन मेथड से अपन ने उसको सोल्व किया था। अपना जो आज का टॉपिक है नेक्स्ट वो है एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अपने पढ़ा अभी तक फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन थी, अब जो अपनी इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, किसमें? एन ऑर्डर की। अब इसके लिए सबसे पहले अपने एक चीज बताई, एग्जैक्ट इक्वेशन है तो एग्जैक्ट इक्वेशन होने के लिए जो उसकी नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है? डेल एन अपॉन डेल वाई, तो किसके इक्वल होता है? डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ये तो अपनी क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। इसके लिए चाहे कोई भी ऑर्डर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो, अगर ऐसा अपने पास केस आता था तो अपन उसके लिए क्या करते थे? अपन इक्वेशन सोल्व करते थे कैसे? एम डी एक्स माइनस का एन माइनस का डेल्टा अपॉन डेल एक्स इंटू वाई डी वाई प्लस सी, ऐसा अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाती है। अब अपन क्या करते हैं, अपनी एक एग्जैक्ट इक्वेशन होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, मतलब जो अपनी इक्वेशन होगी ना एग्जैक्ट वो n ऑर्डर की इक्वेशन अपन किस फॉर्म में लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, वो तो p नोट है, ठीक है, p नोट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? d किससे? सबसे हायर ऑर्डर, मतलब एन वाई माइनस डी एक्स की पावर n हो गया। p नोट डी एन वाई प्लस डी एक्स की पावर n प्लस पी वन। अब ये डी एन कितनी क्या बन जाएगा? डी एन माइनस का वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस का ये बना। अब इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन कहां तक चली जाएगी? पी नोट से स्टार्ट हो रही है तो अपनी इक्वेशन है यहां तक किस पे आ जाएगी? पी एन वाई पे इक्वल्स टू क्यू है। तो अपनी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरलाइज इक्वेशन वो होम है, कौन से ऑर्डर की? एन ऑर्डर की, तो जनरलाइज होम ये वाली होगी। अब इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इसका हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। इसका समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अगर मान लो मैं मेरी जो इक्वेशन दे रखी है उसका अगर मैं समाकलन करता हूं तो ये जो d है वो किस फॉर्म में बन जाएगा? डी एन माइनस का, तो यहां से जो p नोट है वो क्या बन जाएगा? p नोट d n माइनस का वन अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस का वन इंटू वाई प्लस। अब है p1, p1 क्या है यहाँ पे? p1 किस फॉर्म दे रखी है? p1 की, तो ये क्या बन जाएगा? p1 दोबारा है कांस्टेंट, जिसको मैं मान लेता हूँ q, तो एक नए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलेंगे q d n माइनस का 2 का अपॉन d x की पावर n माइनस का 2 इनटू y डैश 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 से कहां तक चला जाएगा? q n तक d, ये n माइनस n हो जाएगा, तो ये q y की पावर n। तो अपनी जो जनरल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? q की फॉर्म में। अब यहां से मैं करना क्या है, यहाँ पे एन माइनस वाई है तो इसको मैं क्या करूंगा? अब इसको वापस एक्स के सापेक्ष में क्या करूंगा? अवकलन कर दूंगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष इसका मैं अवकलन करूंगा तो मेरे को एक चीज बताएगा, इसका एक्स के सापेक्ष और पी नोट के साथ कुछ टर्म आ जाएगी, उस टर्म को अपन क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये है पहला पी नोट डी, डी एन माइनस वन है वो क्या बन जाएगा? डी एन, ये बनेगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस इसके अंदर पी नोट प्लस का क्यू वन इंटू डी एन माइनस का वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस का वन इंटू वाई प्लस का क्यू वन प्लस का क्यू टू डैश इंटू डी एन माइनस का टू अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस का टू इंटू वाई बराबर ये चलती रहेगी। अब यहां पे अपन करेंगे क्या,
करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद जो अपना क्वेश्चन होगा उसको अपन सोल्व कर लेंगे। चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कैसा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर लेंगे। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब यूज किया जाता था? जब अपनी इक्वेशन एक्सैक्ट नहीं होती थी, उस इक्वेशन को एक्सैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन दे रखी है, sin² x d² y / dx² d² y / dx² बराबर मेरा दे रखा है 2y। ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा, पहले चेक करता हूं अपना एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो अपना ये है sin² x, इसको मैं इधर लेके आता हूं, इक्वेशन d² y / dx² - 2y sin² x बराबर 0। यहां से इक्वेशन क्या होंगे, d² y / dx² 1/sin² cosec x, तो यहां से इक्वेशन क्या बनती है, -2y cosec² x बराबर का 0। ये अपनी इक्वेशन बन गई यहां से। अब मेरे को ये पता है कि इक्वेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वन अब एग्जैक्ट नहीं है, तो इसके लिए मेरे को क्या बनानी पड़ेगी, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको cotx से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जो इक्वेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूं, cotx से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन इक्वल d² y / dx² -2y cosec² x cotx बराबर का 0। अब मेरे को पता है कि cosec² cotx है, इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को बनाने के ट्राई करते हैं। यहां से जो p नॉट है, p नॉट ये वाला है ना, उसकी वैल्यू हो गई cotx। p1 है, p1 की वैल्यू क्या आ गई, -2 cosec² x cotx। इक्वेशन में अपने पास क्या क्या आ गया, p1 अपना 0 है, d² y है, तो dy / dx है, तो p1 नहीं है, क्या है p2। यहां से p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो इसके बाद अपनी दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, अपना क्या करते थे, p2 माइनस का क्या करते थे, p2 माइनस का p1 डैश प्लस का p0 का डबल डैश। ये अपन क्या करते थे क्वेश्चन के अंदर चेक करते थे। अब इसके लिए सबसे क्या है, p2 क्या है, मैं इस स्क्वायर लिख देता हूं, -2 cosec² x cotx, ये बना अपना माइनस का p1 डैश, p1 की वैल्यू क्या है, 0, प्लस का p0 का डबल डैश cotx क्या है, cotx का अगर मैं क्या करता हूं, समान मैं वो सॉरी अवकलन करता हूं, तो होता है cosec² x, cosec² को वापस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 तो है यहां पे, ये बन जाएगा 2 cosec² x cotx। तो ये इक्वल्स 0 आ गया, तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहां से एग्जैक्ट बन जाएगी, एग्जैक्ट अगर अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसके बाद अपन क्या करते थे, यहां पर क्यू वाई की वैल्यू 0 दे देते, उस केस में हमने जो वहां पे अपन एक्स डी एक्स किया था वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अब इसका जनरलाइज सोल्यूशन लिखते हैं, जनरलाइज सोल्यूशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से पी नोट dy / dx प्लस का p1 माइनस का क्या करते थे अपन, p0 का डैश, p1 माइनस का p0 का डैश (y) बराबर क्या हो गया अपना 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई p0 dy/dx प्लस का p1 माइनस का p0 y बराबर अपना कांस्टेंट आ जाता है ना, यहां पर उसको अपन मान लेते हैं c1 मान लेते हैं। तो इसके लिए अपन अब इसको फ्यूजन बनाने की ट्राई करते हैं, p0 की वैल्यू लिख रहा हूं यहां से cotx dy/dx, p1 की वैल्यू 0 माइनस का p0 का डैश, p0 का डैश करेंगे तो अपना p0 का डैश क्या आ जाएगा यहां से cosec² x, तो ये हो गया cosec² x / y बराबर का c1। ये अपनी इक्वेशन बन गई, p1 माइनस का p2 सॉरी cotx को अपन को लिखते थे ना 1 प्लस का cosec² x, तो ये हो गया 1 प्लस का cosec² y / dx। यहां से तो मेरी जनरलाइज इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, dy/dx प्लस का 1 प्लस का cosec² x / cotx / y बराबर का c1। अब मेरे को पता है कि 1 प्लस cosec² x cotx क्या होता है, इस फॉर्म में चलो इस cotx इधर भी है ना, तो ये cotx बन जाएगा c1 tan, सॉरी cotx को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, अब इधर वाला इक्वेशन बन गई, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, इसमें इंटीग्रेटिंग एग्जैक्ट वाले से कर लेते हैं। अब मेरा यहाँ पे मेरे को बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
डिवाइड बाय कोटेक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स कोटेक्स डीएक्स है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, मैं इसको कोसेक स्क्वायर प्लस की कोटेक्स को सूत्री मान लेता हूं, कोटेक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, कोटेक्स का समाकलन को अवकलन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर करता हूं मैं, कोटेक्स बराबर मैंने डी मान ला, तो ये होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर डीटी, इसका एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का लॉग टी, टी की जगह क्या है अपना कोटेक्स, तो e की पावर माइनस का लॉग कोटेक्स हो जाएगा। अब मैं लॉग कोटेक्स है तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ e की पावर लॉग इनटू कोटेक्स, अब लॉग कोटेक्स है एक्सपोनेंशियल, अब लॉग कोटेक्स है कोटेक्स से क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सी वन इंटू टेन एक्स। अपनी इक्वेशन आ गई यहां से, क्या आई ये यहां से टेन एक्स बन जाएगा, कोटेक्स है ना माइनस का कोटेक्स, माइनस का लॉग कोटेक्स है एक्सपोनेंशियल से कट गया, माइनस का कोटेक्स क्या बन जाएगा टेन एक्स बन जाएगा, तो अपना जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा वाई इंटू टेन एक्स। क्यू क्या है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, क्यू क्या है अपना सी वन, तो टेन थ्री हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी वन, ये अपना क्या बन जाएगा यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन सेक स्क्वायर एक्स कॉमन एक्स कॉमन लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस का एक्स अपॉन प्लस का सी वन, इसका करूंगा तो ये हो गया टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसके लिए अपने को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे, जब अपनी इक्वेशन दे रखी है वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं हो तो उसको सबसे पहले अपने को क्या करना है, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे जिससे वो डिवाइड होने पर क्या बन जाए, अपनी एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाए, इक्वेशन अगर अपनी एग्जैक्ट बन गई तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड होते ही अपन क्या करेंगे, जैसे उसमें क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की जो वैल्यू है वो अपन चेक करेंगे, उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो इक्वेशन क्या है अपनी एग्जैक्ट है, उसके बाद अपन जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसके लिए सोल्यूशन होगा फाइनल सोल्यूशन, उसकी इक्वेशन होगी ये, इसी इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इससे अपनी जो जनरलाइज इक्वेशन बनेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ही अपना क्या रहेगा, अपनी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस ऑर्डर की एन ऑर्डर की उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या रहेगा सोल्यूशन रहेगा। इसी के साथ अपना ये वाला जो टॉपिक है वो क्या होता है खत्म होता है, जो अपना कल वाली क्लास रहेगी उसमें देखेंगे कि एग्जैक्टनेस और यूनिकनेस अपनी कैसे निकालते हैं, कि मतलब उसका अस्तित्व कैसे होता है, किसका हल्का अस्तित्व अपन क्वेश्चन में कैसे फाइंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।